एसआईटी ने गुरुवार को फर्जी शस्त्र लाइसेंस के मामले में सील की गई रवि आर्म्स कॉरपोरेशन की दुकान को प्रोप्राइटर के पुत्र रवि पांडे के समक्ष दुकान का सील तोड़कर उसमें रखे गए सभी दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया। गौरतलब है कि शस्त्र लाइसेंस के फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद से ही रवि आर्म्स कॉरपोरेशन के प्रोप्राइटर प्रकाश नारायण पांडे अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। बुधवार को पुलिस ने प्रोप्राइटर के पुत्र रवि पांडे को गिरफ्तार किया था और उसे पुलिस कस्टडी में लेकर गुरुवार को टाउन हॉल स्थित दुकान पर पहुंची और एसएसपी द्वारा गठित एसआई टीम ने गुरुवार को मजिस्ट्रेट के साथ रवि गन हाउस का ताला खुलवाया। इस मौके पर एसआईटी प्रभारी व एएसपी रोहन प्रमोद बोत्रे, एडीएम सिटी आर के श्रीवास्तव, एसडीएम सदर एवं प्रभारी सिटी मजिस्ट्रेट प्रथमेश कुमार, तहसीलदार डॉक्टर संजीव दीक्षित सहित अन्य अधिकारी व पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस मामले में आरोपी आर्म्स कॉरपोरेशन के प्रोप्राइटर के पुत्र रवि पांडे ने गोरखपुनी से बात करते हुए बताया कि कलेक्ट्रेट ऑफिस में तैनात असलहा बाबू राम सिंह की मिलीभगत से कंप्यूटर ऑपरेटर अजय गिरी प्रधान तथा कुलदीप और अमर फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनाने का काम करते थे। रवि ने कहा कि उन्होंने शस्त्र लाइसेंस का असलहा बेचा है। हैरानी की बात यह है कि जब आरोपी को पता था कि लाइसेंस फर्जी है तो फिर उसने असलहा और उस फर्जी लाइसेंस पर गोलियों को क्यों बेचा। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए एसआईटी प्रभारी एएसपी व सीओ कैंट रोहन प्रमोद बोत्रे ने बताया। सर लेट नहीं है भैया, लेट है जब आपको लग जाएगा आराम से हड़बड़ी करनी पड़ेगी। जो आपको लेकर आपने बकरी
शिफ्ट जो अंकल छोटा वाला फाइल ले जाके दे दिया था और उसके बाद जो रजिस्टर जो सिटी मजिस्ट्रेट साहब मैंने सोची नहीं जब ये सिटी मजिस्ट्रेट साहब शाम में स्टार साहब के नंबर से फोन किए थे जैसे रिपोर्ट भी जब देने गए थे तो डाक में दे रहे थे बोले कि नहीं हमने कोई डेट इसको दिया है किस तारीख को 13 को दिया था अस्सलाम वालेकुम दिया था अंदर कोई नहीं जाएगा आपने थोड़ा सा मोबाइल लेके पीछे आ जाओ ना पीछे आ जाओ हम लोग पीछे आ जाओ हम लोग जाएंगे मोबाइल आ जा पीछे हम भी बनाना है बैग आ रहा है हम निकले जा रहे हैं आज एक बार कर लेते हैं सर ये नहीं पहुँचा हमें भी देख दो ना अपना पर अपना देख भी लिया बोलते हैं यानी सेल रिपोर्ट वाली इसकी रिसीविंग है तो यहाँ पे नहीं है नहीं यहाँ नहीं अभी मंगवा दे रहे अभी एक घंटा लगेगा तो बता दो ऊपर ऊपर
हमारे पास जो रिकॉर्ड था वो हमने दे दिया है और हमें इस बात की जानकारी नहीं थी कि इस तरह से फर्जी लाइसेंस बन रहे हैं। सारा बाबू राम सिंह का है, वो अमर और कुलदीप के माध्यम से पैसे लेके और प्रधान और अजय गिरी जो कंप्यूटर ऑपरेटर था उसके माध्यम से इस तरह की फर्जी लाइसेंस तैयार करवा रहे हैं। आप चलिए, हम लोग के पास लाइसेंस ही लाइसेंस लेके आता था और हम लोग भेज देते थे। उसके अलावा इसमें सारा कसूर राम सिंह का है, उन्होंने हमसे सारे दस्तावेज सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से फोन करा के मंगा लिए। जितना भी हमारा सेल का डिटेल था, स्टॉक का डिटेल था, सिटी मजिस्ट्रेट साहब का फोन आया, ले आके ऑफिस में पहुंचाओ। और उसके बाद उस डिटेल का वो क्या किए अभी इनकार कर रहे हैं। और प्रधान अमर कुलदीप अजय गिरी इन सबके माध्यम से ये रैकेट चलाया जाता था। अब सील में जितने लोग वो सत्यापन करके बताएंगे कि इस तरह के हैं, वो रजिस्टर से ही वही बता पाएंगे हमें इसकी जानकारी। दुकान से खेल हो रहा था, आपको खुद ही नहीं मालूम था? सर, दुकान से बिक्री हो रहा था, खेल नहीं हो रहा था। अच्छा, ये सारा अच्छा, बंदूक बंदूक बाबू की भूमिका के बारे में क्या कहेंगे? जो वर्तमान में पूरी पूरी भूमिका है उन्हीं के द्वारा रचा गया पूरा कुटरचित। अच्छा, ये सारा दस्तावेज क्या पुलिस को हैंड ओवर कर दिया गया? जी कर दिया सर। सारे बंदूक बाबू की भूमिका इसमें संदिग्ध है, चाहे वो रिन्यूअल हो या लाइसेंस। क्या नाम है बंदूक बाबू का? राम सिंह। सीधा बंद करो, तो ठीक है। टीम के साथ एक जॉइंट टीम हमारी बनी थी राजस्व और पुलिस की, और उसमें रवि आर्म्स डीलर की जो दुकान सीज हुई थी उसको खुलवाया गया विवेचना के क्रम में, और इसमें कुछ जो दस्तावेज मिले हैं उनको कब्जे में ले लिया गया। अभी चेकिंग हो नहीं पाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा दस्तावेज है, उसको पढ़ना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा और उसके बाद ही कुछ चीज़ें पता चलेंगी। मुख्य रूप से क्या क्या हम लोग कब्जे में लिए हैं? मुख्य रूप से उनके जो सेल रजिस्टर होते हैं या उनके जो भी रजिस्टर्स हैं, क्योंकि हमारी भी हमें भी इतनी इस चीज़ की जानकारी है नहीं कि उसको हम लोग अभी तुरंत कुछ बता पाएँ, तो पढ़ने के बाद ही हमें पता चलेगा। दुकान के कोई प्रोप्राइटर या इस तरह का कोई चोरी आया था दुकान से? रवि आर्म्स डीलर जो रवि पांडे हैं उनको कल अरेस्टिंग हमने की थी, उन्हीं की निशानदेही पे सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ से दिखवाई है हमें।
सॉरी कल कितनी गिरफ्तारी हुई है? कल रवि आर्म्स डीलर की गिरफ्तारी हुई थी, रवि पांडे के। वो अभी तक वांछित है, अभी तक वो मिले नहीं है। सौरभ पांडे का क्या हुआ? सौरभ पांडे कल रात को उनके परिजनों के साथ थाने में आए थे, कैंट थाने में, और उनसे पूछताछ की गई थी और उनको इस आशय के साथ छोड़ा गया था कि जब भी पुलिस को विवेचना के क्रम में उनसे कोई जानकारी लेनी हो तो उनको बुलाया जाएगा। 353 कम जन्मदिन नहीं, 353 का नहीं, अभी उनको बस पूछताछ के लिए बुलाया गया था। परिजन जो है उनको पुलिस सुरक्षा से भागने के मामले में मुकदमा था, तो उस मामले में भी ये हुई थी, पूछताछ हुई थी। छोड़ा उनको इस अच्छे से गया है कि जो विवेचना के क्रम में जिस भी इंफॉर्मेशन उनसे हमें चाहिए होगी उनको उस समय बुलाया जाएगा।